अब लंबा वक्त में दे भी सकता हूँ नहीं भी दे सकता हूँ क्योंकि बीमार बहुत हूँ, लेकिन जिस्मानी तौर से रूहानी तौर से तकाज़ा करम से आका जी के जो उन्होंने फरमाया है कि न पहले तुमसे कोई आया था न बाद में आएगा, ये उन्होंने फरमाया है, तो ये बात उनकी तरफ से थी। तो मैं आपका मेहमान हूँ, जितना फ़ायदा उठाओ तो उठा सकते हो, क्योंकि सबने दुनिया से जाना है तो हमने भी जाना है। इसका यकीन है शेख के रूप में आका जी रूहानी तौर से होते हैं, अल्लाह ठीक है, यकीन है तो मेरा तसव्वुर करके बैठे, जिसको ये यकीन नहीं हो ना करे तो मेरा तसव्वुर करके बैठे। अगर कभी उसको कुछ दिख जाए आका जी या मैं सच बोले, फिर हम देखेंगे वो तसव्वुर ही इसका तसव्वुर था या हकीकत में था। ये बातें कोई नहीं कर सकता, मुझे गुंजाइश है उनकी तरफ से, वरना डायरेक्ट ऐसी बातें करना जरूरत है। आका जी से कोई बात करने आता था तो अल्लाह ताला कुरान से उतारते थे, एकदम जरूरत बोलने की न करो, फिर कुछ सदका निकालो, खैरात निकालो, फिर उनसे बात करो।